क्या हमारे महान पुरुषों का जो आंदोलन है वो आरक्षण पर आधारित होकर नौकरियों तक सीमित है क्या? भीमराव अम्बेडकर के समय में क्या हमारे समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो सभी जगह पहुंच पाए? जमीनी स्तर पर कार्य करेगा उसी को जनता वोट देगी। अबे जमीनी स्तर क्या है? गीता का। गीता में क्या संदेश मिलता है? क्या उसमें ये मिलता है कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको गाली मत देना, हाथ जोड़ लेना, उससे पूछना भाई साहब मेरा क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में क्या हमारे समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो सभी जगह पहुंच पाए? क्या सभी को न्याय दिला पाए? पॉसिबल नहीं है। क्या साहब मान्यवर कांसी राम जी के समय में अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो हर एक को न्याय दिलाने गए? नहीं। एक महान पुरुष का उद्देश्य है हर किसी को जाके उसके घर में आटा दाल भरने का नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होता है जिससे कि उसके घर की आटे दाल की व्यवस्था हो सके। तो IPS की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या कभी कांस्टेबल बनेगा? हमारे युवा पढ़ने लिखने का कार्य नहीं करते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि भाई बाबा साहब का साहित्य पढ़ो तो पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है। भाई हमने 2 अप्रैल का आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन था, सफल आंदोलन था, जिसके जरिए जिस मकसद से वो आंदोलन किया था वो हमारा आंदोलन सफल हुआ। हमने उस कानून को वापस लिवाया इस सरकार के द्वारा। लेकिन उसमें देखा जाए तो जो युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, जिनके आंदोलन की वजह से वो SC ST कानून जो है वापस हुआ, जिनके आंदोलन की वजह से इस देश में आरक्षण की रक्षा होती है, आरक्षण जिससे हमें नौकरियां मिलती हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं ना हमें, तो वो सरकारी नौकरियों को कौन पाएगा? क्या जो आंदोलन कर रहा है युवा, क्या उसको वो नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो युवा आंदोलन कर रहा है, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, जय भीम के नारे लगा रहा है, वो तो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पा रहा है। अब नौकरियां किसको मिलेंगी? नौकरियां उसको मिलेंगी जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसके घर परिवार में पुस्तों से नौकरी चलती आई है, जिनके बाप दादा नौकरी थी, अब वो नौकरी के लिए लगे हुए हैं और उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारा वो युवा जो मनुवाद में झगड़ा हुआ है, जो हमारे महान पुरुषों को नहीं जानता है, जो हमारे महान पुरुषों के आंदोलन को नहीं जानता है, उसको नौकरियां मिलेंगी। जब उसको नौकरियां मिलेंगी तो हमारे आंदोलन को आर्थिक रूप से समर्थन कौन करेगा? क्या वो समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें ये निश्चित करना चाहिए कि अगर युवाओं की भागीदारी हमारे आंदोलन में है, निश्चित तौर पर है, लेकिन हमें युवा की उम्र क्या है उसको निश्चित करना पड़ेगा। आखिर हम किसे युवा माने? युवा किसे कह सकते हैं? 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र को हम युवा कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। 50 साल के बाद व्यक्ति वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। 18 साल से पहले उसको नाबालिग कहते हैं, तो यानी कि 18 साल से लेकर और 50 साल तक की उम्र जो है युवावस्था हुई। अब इस युवावस्था में हमें बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, नौकरी भी लेनी है, आंदोलन भी करना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है। इतना सारा भार जो है युवाओं के कंधे पर है। अगर इसको व्यवस्थित नहीं किया, इसको नियमित नहीं किया, अनुशासित नहीं किया, तो ये युवा जो है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए सबसे पहला कार्य जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला नारा है कि शिक्षित बनो, तो सबसे पहले युवा का कार्य है कि वो शिक्षा की ओर ध्यान दे। यानी कि जब वो युवा होना शुरू होता है 18 साल से लेकर लगभग 30-35 साल तक, उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब युवा 18 साल से लेकर 30-35 साल तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा, अपने भविष्य को निर्धारित करेगा, अपने भविष्य की योजनाओं को बनाएगा, तो वो एक अच्छी नौकरी पा पाएगा। उसके सपने होंगे IAS बनने का, IPS बनने का, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनने का, उसको वो साकार कर सकेगा। और साकार कब कर सकेगा? जब उसका एक ही लक्ष्य होगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को समझाते हुए हमारे समाज के सामने ऐसे ही मंच के माध्यम से अपनी पीड़ा रोई थी। और बाबा साहेब ने कहा था कि जब मैं दूसरे समाज की महिलाओं को गर्भवती होते हुए देखता हूं तो वो सपने लेती है कि मेरा बच्चा कहां पर जाकर बैठेगा, कौन सी कुर्सी खाली है, कौन से जज की कुर्सी खाली है, कौन से IAS IPS
इंजीनियर डॉक्टर वकील की कुर्सी खाली है जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। और जब हमारे समाज की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो क्या सपना लेती हैं कि कहां पर सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, कहां पर मजदूर की जगह खाली है, कहां पर चपरासी के लिए जगह खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। तो बाबा साहेब क्या कहते हैं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब कहते हैं कि लो एम इज क्राइम, इसमें बहुत बड़ा आधार छुपा हुआ है। और वो आधार क्या है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमारे इस समाज को समझाते हुए इस संसार में एक बड़ा महान उपदेश दिया। और वो क्या उपदेश था कि मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेक्ठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मरवेती चक्कं वह भैतु पतंग। 2500 साल पहले। आज आपने एक चीज और देखी होगी, एक फिल्म देखी होगी आपने यूट्यूब पर, जो जानते हैं साथी सपने नहीं देखी होगी लेकिन कुछ ने जरूर देखी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन? किसी ने सुना? बड़े ताज्जुब की बात है। द सीक्रेट मूवी देखी किसी ने? द सीक्रेट, वेरी गुड। तो द सीक्रेट मूवी में जो आधार है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो हम मन में धारण करते हैं वही हम बनते हैं, वही पाते हैं। अब देखिए बाबा साहब क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं और आज की साइंस क्या कह रही है। आज की साइंस, आज के वैज्ञानिक तमाम उपकरणों का यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए वह यह बात साबित करते हैं आज की डेट में कि जो आप मन में सोचते हो वैसा ही बनते हो। लेकिन बुद्ध के पास तो कोई उपकरण नहीं थे। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले यह बात कही कि मन ही सभी परिवर्तियों का अगुआ है, जैसा आप मन में सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो बाबा साहब ने दिमाग लगाया कि अगर मन में जैसा सोचेंगे और वैसा ही बनेंगे तो छोटा क्यों सोचते हैं? हमारी महिलाएं छोटी नौकरी क्यों सोचती हैं, चपरासी मजदूर इस तक क्यों सोचती हैं, क्यों नहीं वो जज आईएएस आईपीएस बड़ी नौकरी बारे सोचती हैं? इसीलिए बाबा साहब ने हमारे लोगों को संदेश देते हुए यह बात कही कि लो एम इज क्राइम, मर जाना भूखे रह लेना लेकिन कभी भी छोटी बात मत सोचना। क्या हमने उस पर अमल किया? क्या आज हमने उस पर अमल किया? हमारे युवा क्या सोच रहे हैं? हमारे युवा जब युवा होने लगते हैं तो सबसे पहले वो पेट भरने की बात सोचते हैं कि कैसे भी पेट का जुगाड़ हो जाए। जब पेट के जुगाड़ तक सोचेंगे तो बस पेट के जुगाड़ होगा और कई बार पेट का जुगाड़ नहीं भी होगा क्योंकि हमने सोचा ही पेट तक है। अब उदाहरण देता हूं मैं, कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे को भाई कम से कम 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए या आमदनी चाहिए, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होगा। तो क्या होगा उसका परिणाम क्या होगा? 1 लाख रुपए की उसको नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए की उसको बिजनेस नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसको 5-10 हजार रुपए का बिजनेस मिलेगा? क्या 5-10 हजार नौकरी करेगा? वो करेगा ही नहीं भाई। 1 लाख रुपए से नीचे आएगा तो 90 हजार रुपए आ जाएगा, 80 हजार रुपए आ जाएगा, 10 हजार 5 हजार नौकरी पे कभी नहीं आएगा। तो सोच की बात है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा सूझबूझ से और दूरदृष्टा भाव से ये कहते हैं कि लो एम इज क्राइम। अगर आपने अपने जीवन में यह निर्णय कर लिया कि मुझे आईपीएस की जॉब चाहिए, आईएएस की जॉब चाहिए, चलिए मान लीजिए आपने आईपीएस की जॉब की तैयारी करी, आपने पूरा सामर्थ्य उसमें लगा दिया, तो क्या आप कभी आईपीएस पुलिस विभाग की जॉब है, पुलिस विभाग में बहुत सारे रैंक होते हैं, कांस्टेबल से शुरू होते हैं, तो आईपीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या कभी कांस्टेबल बनेगा? कभी नहीं बनेगा क्योंकि उसकी तैयारी आईपीएस की है। आईपीएस नहीं बन पाया तो उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा, अगर वो थोड़ा नीचे आ जाएगा लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि बिल्कुल जमीन भी गिर जाए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतनी बड़ी बात कहते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए और हमारे युवाओं को खास तौर से ये बात समझनी चाहिए क्योंकि इस समाज के आंदोलनों का आधार हमारा युवा है, उसके कंधों पर हमारे आंदोलनों का भार है। अगर हमारे युवाओं को सही तरह से गाइड नहीं किया गया तो गुमराह हो जाएंगे और गुमराह तो हो ही रहे हैं। आज एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहा है इस बार, और वह यह कहता है कि जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा उसी को जनता वोट देगी। अबे जमीनी स्तर क्या है? जमीनी स्तर समझ में नहीं आया कि जमीनी स्तर क्या है? उसका जमीनी स्तर यह है कि जाकर धरना प्रदर्शन करो, रोड जाम करो, आंदोलन करो, क्रांति करो, खून खराबा करो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए उसके साथ बैठ जाओ। अब ये सोचिए अगर ये बात सही होती तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में
क्या हमारे समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो सभी जगह पहुंच पाए? क्या सभी को न्याय दिला पाए? पॉसिबल नहीं है। क्या साहब मान्यवर कांशीराम जी के समय में अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो हर एक को न्याय दिलाने गए? नहीं। एक महान पुरुष का उद्देश्य है हर किसी को जाके उसके घर में आटा दाल भरने का नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होता है जिससे कि उसके घर की आटे दाल की व्यवस्था हो सके। तो हमें यह समझना चाहिए कि जमीनी स्तर आखिर है क्या। जमीनी स्तर है कि हमारा युवा पहले पढ़ाई लिखाई करे। जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाएगा, और जब उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाएगा तो वो हमारे आंदोलन को अच्छी तरह समझ सकेगा। क्या जो युवा हमारा पढ़ता ही नहीं है, वो 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, अब उससे पूछो आंदोलन क्या है, बता पाएगा क्या? उसे पता नहीं है आंदोलन क्या है, उसे पता नहीं है मिसल मूवमेंट क्या है, उसे पता नहीं है कि जय भीम क्या है, तो वो कर क्या रहा है, कौन सा आंदोलन चला रहा है? तो उसके कंधे अपने आप टूट जाएंगे, हमारे समाज का आंदोलन बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने ये बात कही कि 30-35 साल की उम्र तक अधिकतम यही होती है उम्र, यहीं तक नौकरी मिल जाती है, चाहे वो बड़ी मिले चाहे छोटी मिले, लेकिन वो अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। अगर उसका ध्यान पूरा का पूरा अपनी इस व्यवस्था पर रहेगा तो वह फेल नहीं होगा। और जब हमारा युवा सफल हो जाएगा तो हमारा आंदोलन भी सफल होगा, उसको सफल हुए बगैर कोई रोक नहीं सकता। आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई क्या है? अभी हमारे जो आरक्षण के जरिए जो हमें सीटें मिलती हैं वो फुलफिल हो गई? नहीं हुई। अभी हमारे को मान लो 100 में से 15 सीटें मिली। अभी सरकार तो अपनी कम्बपन दिखाती है, उसमें उनको पूरा नहीं करती है, उसमें से भी एक दो सीट कहीं ना कहीं घपला कर देती है। चलो ठीक है, हमें तो भरनी है 100 में से 100, और हम 100 में से 15 भी नहीं भर पा रहे हैं। 100 में से 15 भरने जाते तो सरकार कहती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, योग्यता नहीं है। ऐसे होता है ना, योग्यता नहीं है, इंटरव्यू में फेल होगा, कहीं भी हो गया, कुछ भी भरा लगाएगी, आपकी 2-4 सीटें खा जाती है। ओबीसी की तो आधी सीटें ही भर पाती है, आधी सीटें ऐसी जा रही हैं, बैकलॉग बहुत बड़ा इकट्ठा हो गया है। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने हमें क्या संदेश दिया? क्या हमारे महान पुरुषों का जो आंदोलन है वो आरक्षण पर आधारित होकर नौकरियों तक सीमित है क्या? जब हमारे महान पुरुष कहते हैं कि लो एम इज क्राइम, और जब हमारे युवा लो एम इज क्राइम को समझ जाएंगे, भगवान बुद्ध की उस बात को समझ जाएंगे कि मन में जो धारण किया वही मिलेगा, तो हम छोटा धारण क्यों करें, छोटी नौकरी की बात क्यों सोचें? अगर हमारे 100 के 100 युवा 100 की 100 नौकरियों पर नजर गड़ाएंगे तो फिर मनुवाद कहाँ जाएगा? मनुवाद तो बाहर हो जाएगा। हमारे लोग अगर उन जर्नल सीट्स पर कंपटीशन देंगे, उनको कॉम्पीट कर वो नौकरियों को पा लेंगे, तो फिर देश में सत्ता किसकी होगी, शासन किसका होगा, प्रशासन किसका होगा? हमारा ही होगा ना। अभी हम कहाँ जाते हैं? अभी हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जज कौन है? कौन है जज? जज हमारा आदमी बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहीं आरक्षण पर आधारित कोई सीट हो तो वहां हमारा जज अधिकारी मिल जाएगा। लेकिन कितने जज हैं? क्या वो इस नए न्यायिक व्यवस्था में अहम भूमिका अदा कर पाते हैं? क्या जब हमारे देश में हमारे ही समाज पर अत्याचार हो रहा हो तो क्या वो आवाज उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि वो खुद डरे डरे रहते हैं कहीं जो नौकरी मिली है कहीं वो ना छिन जाए, कहीं उनके ऊपर किस तरह का आरोप लगा दिया जाए। आज हम इस व्यवस्था को झेल रहे हैं। इस व्यवस्था को इसलिए झेल रहे हैं कि जब तक जो जर्नल क्लास की जो सीटें हैं उनको जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इस देश में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे महान पुरुषों का आंदोलन ये वाला आंदोलन है। हमारे महान पुरुषों का आंदोलन उस आरक्षण को बचाने का आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारे महान पुरुषों का आंदोलन उस सरकारी नौकरी को, जो कि 100 सीटें हैं तो 100 की 100 सीटें हमारे समाज के पास आए, उसकी व्यवस्था हमारे महान पुरुषों ने की है। और उसकी व्यवस्था करते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लो एम इज क्राइम, और भगवान बुद्ध ने पूरे संसार भर के लिखा था कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, इसलिए मन में बड़ी चीजें धारण कीजिए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनडी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।